नमस्कार, स्वागत है आपका 24 मीडिया न्यूज पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कल दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अभी तक अपने टिकट होल्ड कर रखे हैं। सूरसागर, लोहावट, जैसलमेर, शेरगढ़, फलोदी, बिलाडा, इन सीटों पर कांग्रेस एक बड़ा ऐलान कर सकती है। कांग्रेस किस प्रत्याशी को कहां से उतारेगी, पूरी अपडेट आपको बताएंगे। कांग्रेस में जिस तरीके से दूसरी लिस्ट सामने आई है, सरकार बचाने वाले को कांग्रेस ने प्राथमिकता दी है। अब इस लिस्ट में जो तीसरी लिस्ट सामने आ रही है, उस लिस्ट में सूरसागर से वैभव गहलोत को टिकट मिल सकता है, लोहावट से उमेश सिंह राठौर को टिकट दिया जा सकता है, जैसलमेर से मानवेंद्र सिंह जसोल, वही बिलाडा से रूपाराम धनदेव, शेरगढ़ से भगवान सिंह तेना का नाम सामने आ रहा है, फलोदी से कृष्णा राम बिश्नोई को टिकट दे सकती है कांग्रेस, लोहावट से बिश्नोई को फलोदी शिफ्ट कर रहे हैं। कांग्रेस में तीसरी लिस्ट में ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें अधिकतम निर्दलियों को टिकट दिया है कांग्रेस ने इस बार अपनी पार्टी से, क्योंकि कांग्रेस के उन विधायकों ने बिना शर्त सरकार बचाने में काम किया था, इसलिए निर्दलियों को कांग्रेस ने पार्टी में ले लिया है और टिकट दे दिया है। अब जो तीसरी लिस्ट सामने आ रही है, उसमें सूरसागर, लोहावट, जैसलमेर, शेरगढ़, फलोदी और बिलाडा की जो लिस्ट सामने आ रही है, वैभव गहलोत, भगवान सिंह तेना, कृष्णा राम बिश्नोई, उमेश सिंह राठौड़, रूपाराम धनदेव और मानवेंद्र सिंह को इन विधानसभा सीटों पर टिकट दिया जा सकता है। सूरसागर से वैभव गहलोत का नाम सामने आ रहा है, लोहावट से उमेश सिंह राठौड़, जैसलमेर से मानवेंद्र सिंह, शेरगढ़ से भगवान सिंह तेना, फलोदी से कृष्णा राम बिश्नोई, बिल्लाडा से रूपाराम मेघवाल को मैदान में उतारा जा सकता है। इस लिस्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है, कांग्रेस इन प्रत्याशियों को यहां से टिकट दे सकती है, ये तीसरी लिस्ट में देखने को मिल सकता है। इन सीटों पर अभी तक कांग्रेस ने टिकट होल्ड कर रखे हैं, तीसरी लिस्ट में ये सामने आ सकता है। हो सकता है तीसरी लिस्ट में न हो, चौथी लिस्ट भी कांग्रेस जारी कर सकती है। ऐसे में इन सीटों को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है, कांग्रेस इन सीटों पर अपने प्रत्याशी बदलने जा रही है, ये कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ी खबर है। इन सीटों पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदलने जा रही है।